सो गाइस आज हम जानेंगे न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V न्यू 2022 मॉडल एंड 164V 2022 आरएम मॉडल, इन दोनों में आपके लिए कौन सा बाइक बेटर है। और अगर आप बाइक लेते हो, एक तो है पावर फिगर आपका मेन पॉइंट अगर होगा देन आप इस बाइक को लीजिए, और अगर आपका मेन पॉइंट माइलेज ओरिएंटेड है देन आप 164V लीजिए। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 किलोमीटर तक माइलेज मिल जाता है, और इसमें पावर होने के वजह से ज़्यादा पावर है इसलिए 21 BHP अप्रॉक्स पावर है 8500 RPM पे, और इसमें है अप्रॉक्स 17 BHP पावर 9250 RPM पे। तो ऑब्वियसली इसमें माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा 35 से अप्रॉक्स 38 तक, और इसमें 45 तक माइलेज मिल जाता है। तो अगर आपका मेन पॉइंट बाइक का पावर है, इनिशिएंट पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, टॉप स्पीड ज़्यादा मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप 204V लीजिए। देखिए पहले इसका फेसलिफ्ट अपडेट हुई है, और दूसरा है हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे देखिए, और एग्जॉस्ट नोट मुझे और भी ज़्यादा रिफाइंड लगा। पिछले वाले मॉडल जो था उससे बेटर रिफाइनमेंट लेवल मुझे 2022 इसी मॉडल में लगा। आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको जरूर बताएगा। इसमें आपको राइडिंग मोड्स, हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच मिल तो जाता है, एंड पूरा ग्लॉसी कलर के ऊपर व्हाइट स्ट्राइप मिलता है, एंड 164V अट्टियर 164V सेम लिखा हुआ 200 जैसा ही आपको मिलेगा। पीछे का लुक कुछ ऐसा 204V में है, एक प्रीमियम सा, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दोनों बाइक पे ही है, आप चेक कर लीजिए, दोनों बाइक पे ही आपको नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलेगा, एंड ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट पाइप 204V में दी गई है, और इसमें भी 164V भी सेम। सो गाइज मेरा मेन पॉइंट है, अगर आप माइलेज ओरिएंटेड बाइक लेना चाहते हो देन 164V लीजिए। इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी मिलता है, अपडेटेड हेडलाइट सेटअप मिलता है। अगर आपका पॉइंट पावर, टॉप स्पीड, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों के बारे में है तो आप 204V लीजिए।